वेलकम बैक टू कार स्टूडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं टाटा सफारी के एक्सेड और एक्सेड प्लस वेरिएंट के बीच में, जहां पर आपको इन दोनों ही कार्स के बीच में टोटल 3 फीचर्स का ही डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बात करें अगर हम प्राइस डिफरेंस की, तो एक्स शोरूम कॉस्ट पर आपको करीब 84,000 रुपये और ऑन रोड कॉस्ट पर आपको करीब 98,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस 98,000 रुपये के डिफरेंस में आपको एक्सेड प्लस में किन किन फीचर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कार स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों दोनों के बीच सबसे पहला डिफरेंस आता है सनरूफ का, जहां पर आपको सफारी के एक्सेड प्लस वेरिएंट के अंदर पैनोरामिक टाइप सनरूफ दिया गया है, जो कि सफारी के एक्सेड वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता। दूसरा डिफरेंस है सीटिंग ऑप्शंस का। तो सफारी के एक्सेड प्लस वेरिएंट के अंदर आपको 6 सीट और 7 सीट चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि सफारी के एक्सेड वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 7 सीट का ही ऑप्शन दिया गया है। तीसरा डिफरेंस है, वो भी आपको एज एन ऑप्शन ही दिया जाता है, कि सफारी के एक्सेड प्लस वेरिएंट के अंदर आप चाहे तो नॉर्मल वेरिएंट परचेस कर सकते हैं, और अगर चाहें तो 20,000 रुपये एक्सट्रा कॉस्ट पर एक्स्ट्रा देकर आप एडवेंचर परसोना को भी चूज कर सकते हैं, जबकि सफारी के एक्सेड वेरिएंट के अंदर आपको एडवेंचर परसोना का ऑप्शन नहीं मिलता। एडवेंचर परसोना और नॉर्मल सफारी के बीच क्या डिफरेंस है, ये हम आपको अगली वीडियो में बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए कार स्टूडियो के साथ फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड कंपैरिजंस। और टाटा सफारी के इन दोनों वेरिएंट्स के सभी प्राइजेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कार स्टूडियो।